हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है और हर कोई इस बारे में अपनी अपनी राय दे रहा है। गौरतलब है कि एक्ट्रेस कंगना रनौत बॉलीवुड के भाई भतीजेवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाती आई हैं और सुशांत की मौत के बाद से उनके निशाने पर कई बड़े बड़े लोग हैं। इसको लेकर बीते कुछ दिनों से डायरेक्टर अनुराग कश्यप और कंगना में तीखी बहसबाजी चल रही है। इसी मुद्दे पर अनुराग ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए मीडिया पर निशाना साधा कि मीडिया खुद नेपोटिज्म को सपोर्ट करता है। दरअसल इस वीडियो में टाइगर श्रॉफ और तैमूर अली खान की तस्वीरें दिख रही थी। अनुराग के इस ट्वीट के बाद टाइगर श्रॉफ की मां और जैकी श्रॉफ की वाइफ आयशा श्रॉफ अनुराग कश्यप पर भड़क गईं और उन्होंने अनुराग कश्यप को ट्वीट करते हुए कहा कि वो उनके बेटे टाइगर श्रॉफ को इन सबसे दूर रखें। उनके बेटे ने इंडस्ट्री में अपने दम पर सफलता हासिल की है। अब आयशा के इस रिएक्शन से अनुराग ने तुरंत उनसे माफी मांगते हुए सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा टाइगर श्रॉफ को टारगेट करने का नहीं था, वो बस मीडिया की सच्चाई दिखाना चाहते थे। अनुराग के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर कंगना ने अनुराग की जमकर क्लास लगा दी है और उनसे सवाल किया कि जिस तरह अनुराग ने आयशा श्रॉफ से माफी मांगी, क्या वैसे ही कभी किसी इंडस्ट्री के बाहरी कलाकारों के माता पिता से माफी मांगेंगे। कंगना ने ट्वीट किया कि क्या अनुराग कभी सुशांत और कंगना के परिवार से कभी माफी मांगते, नहीं, लेकिन उन्होंने टाइगर के माता पिता से माफी मांगी। इसे ही दोगलापन कहा जाता है। गौरतलब है कि सुशांत की मौत के बाद से कंगना लगातार ट्वीट, वीडियो जारी करके और इंटरव्यू के माध्यम से इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को बी ग्रेड एक्ट्रेसेस तक कह डाला था और अब इस ट्वीट के बाद कंगना और अनुराग के बीच का विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है।